जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भक्तों, मैं बालाजी का छोटा सा सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल से नाम बालाजी कृपा है, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। एक प्रॉब्लम आई है बहुत बड़ी। एक बच्चा है, उसका फोटो उन्होंने मुझे भेजा था। वो बच्चे की प्रॉब्लम जो है ना, वो बताने जा रहा हूँ, साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, हम जो कर सकते हैं वो सॉल्यूशन, बाकी करना तो भगवान को ठीक होता है। ठीक है, वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो घुटने होते हैं ना, नी घुटने से नीचे का हिस्सा, पैर तक, एड़ी तक, तलवे तक सारा सूजा पड़ा है उसका, इतने मोटे मोटे पैर हो रहे, बाकी घुटने से ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ईमेल लिखा, बताया, भैया हम कई भक्तों को दिखा चुके हैं, लेकिन आराम नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा बच्चा। कई डॉक्टरों को दिखा दिया, अपोलो हॉस्पिटल तक मैं दिखा दिया, लेकिन बच्चों को आराम नहीं आया। तो क्या करने थी आपके हिसाब से? हम आपकी संस्था को कुछ पैसे भी डोनेट कर देंगे। अब मैं उन्हें ये बताता हूँ कि हम पहली बात तो पैसों की मांग करते ही नहीं हैं, ना ही हम डोनेशन लेते हैं, ना ही हमें ज़रूरत है। हमें सिर्फ सेवा भाव से, चैनल है यह हनुमान जी का, और सेवा भाव से ही लोगों के सामने आते हैं, सेवा भाव ही रख करके, हमें डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये, जो डोनेशन आप देने के लिए कह रहे हैं वो बच्चे के लिए इलाज के लिए रखें, और जो कुछ मैं अपने पास से विधियां बता सकता हूँ वो विधि कर लें। कुछ डॉक्टरी भी बताऊंगा और कुछ वैसे ही बताऊंगा। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूँ। जय श्री राम। बच्चे की फोटो पहले तो सोचा था मैं थंबनेल में लगाऊंगा, लेकिन ऐसे सही नहीं है, क्या पता कौन उसके माँ बाप बुरा मान जाए, तो वो फोटो नहीं लगा रहा मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ घुटने से नीचे की जो पैर है पूरा, वो सारा इतना मोटे मोटे सूजे पड़े उसके। तो लड़के की उम्र ज़्यादा 8 साल या 10-12 साल, 8 से 10-11 साल उम्र होगी उसकी, लास्ट 12 साल से ऊपर नहीं होगा लड़का। पहले तो उसका MRI कराएं। MRI में ये मालूम चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, पेट में, गुर्दे में, फेफड़े में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं, कोई खून में इन्फेक्शन तो नहीं है, MRI करा लें, उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आएगा। डॉक्टरी इलाज उस हिसाब से चलाएं, दूसरे अस्पताल में दिखाएं। अच्छा, ये तो हो गई एक अलग चीज़, या आयुर्वेदिक इलाज कराएं या होम्योपैथिक इलाज कराएं। ठीक है, इनसे अलग हटके जो मैं अपने योगदान से कुछ बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ, अगर ये नेगेटिविटी की वजह से आपको लगता है, जो कि मुझे भी डाउट है कि नेगेटिविटी की वजह से है, क्योंकि कई भक्तों को दिखाया, मैं तो नहीं कह रहा मैं उन सबसे बड़ा हूँ, मुझे सबसे छोटा मानो, बस जो मैं विधि बता रहा हूँ वो करके देख लो, क्या पता उन सब भक्तों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ जाए, है ना। 3 चीज़ बताऊँगा वो करनी है। उस बच्चे को बजरंग बाण पढ़वाएंगे आप, पढ़ता तो जरूर होगा, अगर नहीं पढ़ सकता बच्चा, बच्चे को पढ़ना नहीं आता, तो हम हनुमते रुद्राध्याय हूँ फट पढ़ सकता है, इतना याद करा दीजिए। ये भी नहीं पढ़ सकता, ओम नमः शिवाय याद करा दीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, रोज 11 माला जाप करवाए इस मंत्र, ओम नमः शिवाय ओम, या हम हनुमते रुद्राध्याय हूँ फट, 11 नहीं कर सकता, 5 माला कम से कम कराए, नहीं कर सकता 1 माला सुबह, 1 माला शाम, 1 माला रात, इतनी जाप कराएं। और हनुमान जी के मंदिर रोज भेजें, नहा धो के मंदिर जाए, सिंदूरी मूर्ति के सामने बजरंग बाण पड़े 5 बार, नहीं पढ़ सकता तो वहाँ बैठ करके यही मंत्र पढ़े जो मैं बता रहा हूँ, दीपक जलाए। और इस बच्चे के ऊपर से कोई हनुमान जी का भक्ति, जो हनुमान जी की पूजा करने वाला व्यक्ति हो, वो इस काम को करे। वो क्या काम है? वो काम ये है कि इसके हाथ में कपूर दे दोनों हाथों में, और इसे सिर पे हाथ रख के जाप करे, जो वो मंत्र उसने कर रखा हो, याद कर रखा हो, सिद्ध कर रखा हो, सिर पे हाथ रख के इसके हाथ में कपूर दे दे। इसे मान लो मंत्र ये है, जंजीरा मंत्र है मान लो, या ये हम हनुमते रुद्राध्याय हूँ फट ही मंत्र, हम हनुमते रुद्राध्याय हूँ फट, हम हनुमते रुद्राध्याय, 15 मिनट जाप करना है सिर पे हाथ रख के, और फिर इसके हाथ में जो कपूर है उसे जलवा दें, ऐसे सुबह शाम करें। और बाजरा लें, बाजरा एक मुट्ठी,
मतलब संकट तंत्र उतार विधि नाम से इस वीडियो इस चैनल पे है, वो बांद्रे वाली विधि इसके पूरे शरीर पे से उतार करके कबूतरों को डाल के आए। दो चीज हो गई। तीसरी जो करनी है वो ये करनी है, इसके ऊपर से इसके घुटने से लेके पैरों तक 11 लौंग के जोड़े लेंगे, 5 लौंग के जोड़े लेंगे, 11 नहीं 5, एक बालाजी का, एक प्रेतराज जी का, एक दीवान सखा का, एक भैरव बाबा का, समाधि वाले बाबा का, एक एक लौंग का जोड़ा सबका होगा, एक कपूर की टिक्की लेंगे, उसे हाथ में लेकर के इसके पैरों से घुमाएंगे एंटी क्लॉक वाइज मंत्र पढ़ते हुए, हम हनुमते रुद्रात्मा हूँ फट, हम हनुमते रुद्रात्मा हूँ फट, 11 बार उसे जला देंगे वहीं, और ये देख रहा हो उसको जलते हुए। सुबह शाम ये काम कराएं, बाजरे वाला काम कराएं, इस बच्चे को नहला धुला के मंदिर भेजें, मंत्र पढ़वाएं, और इनके सिर पे, इसके हाथ में कपूर देकर के कोई बच्चे कोई इसके हाथ पे सिर पे हाथ रख के जाप करें। 41 दिन में इसको जरूर रिजल्ट मिलेगा। ये 41 दिन कर लिया, अगर 50% भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो और 41 दिन कर लें। वैसे 11 दिन के अंदर जरूर रिजल्ट मिलेंगे आपको, कुछ ना कुछ जरूर पैरों में सूजन कम मिलेगी, इतना आप जरूर करें। हनुमान जी महाराज ने चाहा तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा। जो मैंने विधियाँ बताई वो करें। और एक काम इसके घर वाले करेंगे, इस बच्चे के घर वाले अपने घर के पितरों का और पूर्वजों का एक दीपक जलाएंगे, बालाजी सरकार की दीपक विधि देख लेंगे, उसको इस चैनल पे वीडियो है, और वो दीपक जलाएंगे रोज, बस पितर पूर्वजों की शांति वहाँ से हो जाएगी, नेगेटिविटी ऐसे कट जाएगी, और बच्चा जाप करेगा इसका और स्ट्रांग होगा, ग्रह मजबूत होंगे, अपने आप नेगेटिविटी भागेगी, रोग ठीक होंगे। डॉक्टरी है तो डॉक्टरी के लिए मैंने बता दिया, डॉक्टर के लिए इलाज वो कहाँ से कराना है, ठीक है। हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे इस बच्चे पर जरूर, मैं चाहता हूँ, मैं अर्जी लगाता हूँ इस बच्चे के लिए, बजरंग बली महाराज, बालाजी महाराज, मेहंदीपुर में अर्जी स्वीकार करें, ये जो बच्चा इसके पैर सूजे पड़े हैं घुटने से नीचे के, इसको लाभ पहुँचाएं, ठीक करें प्रभु, बहुत मासूम बच्चा है, मेहंदीपुर में अर्जी स्वीकार करें बाबा, इस पर कृपा करें। ये हमने आपको प्रॉब्लम बताई, सॉल्यूशन बताया, अर्जी भी लगाई, 3-in-1 वीडियो हो गई, जैसा हम कहने कहा है कि हम 3-in-1 वीडियो बनाया करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इससे रिलेटेड ऐसी कोई समस्या किसी के आपके घर के आसपास किसी व्यक्ति में है तो वो भी इस विधियों को कर सकता है जो मैंने इसमें बताई है। ये विधि कारगर सिद्ध होंगी और हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ वहीं पहुँचेंगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज कृपा करें, करुणा करें, आप सबकी समस्याओं का समाधान करें। जय जय श्री राघवेंद्र सरकार की जय।